आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 200 लीटर ओपी अवैध शराब के साथ दो आरोपियों को पकड़ा। आरोपी राधेश्याम की हुई थी दो दिन पहले ही शादी और आज आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। खबर शिवपुरी आबकारी विभाग की है, जिसमें शिवपुरी के करैरा के टोकनपुर गांव में रात को दो व्यक्तियों को एक ड्रम के साथ, जिसमें अवैध रूप से ओपी देशी शराब पकड़ी गई है। इसकी कीमत जो मात्रा है वो लगभग 200 लीटर बताई जा रही है। आपको बता दें कि अवैध शराब से भरा एक ड्रम और दो आरोपियों के साथ पकड़ा गया है, जिसमें अमर सिंह भदौरिया और राधेश्याम भदौरिया शामिल हैं। राधेश्याम भदौरिया की 13 तारीख शादी हुई थी। आपको बता दें कि एक ड्रम के साथ पैकिंग मशीन, 200 से 500 बोतल और करीब 500 ढक्कन के साथ रैफर भी बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। सर, ये आज कुछ लोग पकड़े हैं देसी ओपी के साथ में, किस तरह की ये कार्रवाई है और कहां पर ये किस तरह का व्यापार संचालित हो रहा है? एक्चुअली हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि टोकनपुर करैरा में देसी शराब की भराई चल रही है और उसके आधार पर रात को 12-1 बजे के बीच में वहां दबिश दी गई, जिसमें पूरे एक घर की तलाशी ली गई। उसमें 200 लीटर ओपी, एक जो एक बनाने की जो पैक करने की एक मशीन, 500 ढक्कन, 500 पाव, 2000 के लगभग लेवल और एक मशीन, ये सारी जब्त की हैं और इनने अलग अलग जगह के वहाँ पे मतलब छुपा के और उस हिसाब से रखा था, तो उसको पूरे स्टाफ ने सर्चिंग की तब वो जब्त हो पाई। किस तरह से सप्लाई करते हैं? ये बनाते हैं, ये ओपी को डाइल्यूट करते हैं ये लोग, सामान्यतः जो प्रक्रिया है वो डाइल्यूट करने के बाद में, अब डाइल्यूट का भी इनका क्या स्तर है चूँकि स्टैंडर्ड स्तर नहीं है, जैसा भी ये डाइल्यूट करते हैं और उसको बोतल में भर के और जगह जगह गांव में जो लोकल पीने वाले हैं उनको बेच देते हैं। और कुछ कोई विशेष जानकारी मिली है कि कहीं बाहर भी सप्लाई करते थे या कुछ, क्योंकि बड़े स्तर पर ये काम किया जा रहा है? नहीं, अभी तो इनसे पूछताछ चल रही है, जैसे ही और जानकारी लगेगी। और वैसे जो 200 लीटर का जो ड्रम है पूरा एक भरा हुआ हमको मिला है, मे बी और कहीं भी हो तो उसकी भी सर्चिंग चल रही है कि और कहीं रखा हो। अगर बड़े लेवल पर ऐसे और भी ड्रम होंगे तो निश्चित रूप से आसपास के ज़िले में भी ये सप्लाई कर सकते हैं और अपना ज़िला भी बहुत बड़ा है सप्लाई के लिए। इनको ये ओपी उपलब्ध कहाँ से होती है? ये तो अलग अलग जगह, अभी जो जो ड्रम दिख रहा है वो तो यूपी का है, यूपी की एक माल्ट फैक्ट्री उस पर लिखा हुआ है, पूछताछ में ही पता चलेगा। और इसके बाद जब जांच होगी, जो इसमें एड्रेस लिखा हुआ है उस पर जाएंगे तब ये क्लियर होगा। और मुलजिम जो हम इनको जो मौके से आरोपियों को पकड़ा है उसमें थोड़ा सा वो अभी ये नहीं बता रहे हैं कि हम ये एक्चुअल कहाँ से लेके आए। सर, और कुछ लोग शामिल हैं? सर, बिल्कुल निश्चित रूप से और भी शामिल होंगे, ये तो अब जांच में पूरा आएगा तभी क्लियर। अभी हमारे एक्साइज में नहीं है लेकिन पुलिस में होगा तो उसका भी सर्चिंग की जा रही है। सर, ये कब से संचालित हो रही थी? देखिए, ये तो कब से हो रही थी ये मैं नहीं बता पा रहा, क्योंकि हमको तो कल ही सूचना मिली थी। वो निश्चित रूप से जब ये सारी व्यवस्था तो पूर्व से चल रही थी, हमारे नॉलेज में नहीं था, कल जैसे ही हमारे नॉलेज में आया तो रात को ही दबिश देकर जब्त किया गया।